चंद्रयान के हवाले से, वो मिशन कामयाब होगा ठीक से तो हमारे लिए भी इज्जत की बात होगी, फख्र की बात होगी। हमारा मुल्क है, हमारा वतन है। लेकिन चांद पे पहुंच जाएंगे, जमीन पे लोगों को, गरीब लोगों को, कमजोरों को रगड़ेंगे, औरतों की इज्जतें नहीं बचाएंगे, बच्चों की मासूमियत तार तार होगी, तो कैसे हम गौरव कर सकेंगे? घोर अन्याय होता रहेगा और हम खामोश बैठे रहेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं, जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अन्याय के खिलाफ बोलने की मुसलमानों की है, उससे ज्यादा इस मुल्क की मेजोरिटी समाज की जिम्मेदारी है। आज मेजोरिटी समाज खामोश बैठा है और ये अफसोस की बात है, सदमे की बात है, दुख की बात है। अगर कुर्बानी की जरूरत है, मेरे कुछ मिसालें हैं, वो कुछ ही हैं, इसलिए कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी है तो हमारा खून इस धरती के लिए अगर पड़ेगा तो हमारे लिए वो प्राइड का मोमेंट होगा, फख्र की बात होगी, गौरव की बात। और ये इसलिए होगा कि मैं मुसलमान हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, मेरे कुरान ने मुझे हुक्म दिया है, मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया कि अपने वतन की हिफाजत के लिए जान दे दोगे तो तुम शहीद कहलाओगे। बुजुर्गों और दोस्तों, जो शिकायत मौलाना बदरुद्दीन साहब को थी, वक्त की और सब लोगों की थी, वही मुझे भी है। जो शिकायत मौलाना फैसल वली रहमानी साहब को थी, वही मुझे भी है। बहुत कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन सबकी भलाई करिए। सिर्फ अपनी भलाई की अपनी भलाई के बारे में सोचने से और चेष्टा करने से आपकी भी भलाई नहीं होगी। अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो दूसरों की भलाई करनी पड़ेगी। और याद रखिएगा, रोने वालों को मंजिल नहीं मिलती है। रोना बंद कर दीजिए, अमल की तैयारी कीजिए, अमल करिए, कोशिश कीजिए, चेष्टा कीजिए, जिद्दोजहद कीजिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। अगर आप कुर्बानी देंगे तो तारीख आपको याद करेगी, भुलाए नहीं जा सकेंगे। और कुर्बानी नहीं देंगे, तनासानी में रहेंगे, बेफिक्री में रहेंगे, हाँ जी सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा, ठीक करने से ठीक होगा, ठीक होने से ठीक कुछ नहीं होगा। हो सकता है, मेरा भी यह एहसास है कि लंबी भाषा बोलने वाले, ऊंची ऊंची बातें करने वाले, नफरत फैलाने वाले लोग और उनको रोकने वाले जिम्मेदार लोगों का की जबान भी वैसे ही होने लग रही है। जो नफरतों को रोक सकते हैं उनका रवैया, एटीट्यूड भी वो नहीं है जो एक जिम्मेदार का होना चाहिए। तो लोगों को लगता है रात थोड़ा लंबी हो गई है। हां, कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें बड़ी होती हैं। याद ये मत समझिएगा कि रात हमेशा बड़ी रहेगी, सुबह भी होगी इंशाल्लाह।